Hello students, myself Shivashankar Mishra and we are going to learn something about the solid state. Okay, solid state. In this chapter we include some knowledge about most organized state of matter, which is solid state. Okay, which includes study of various types of solids based on arrangement of constituent particles in the block, okay, and different types of forces responsible for to bind the particles together. तो आमे एटी कौन कौन पढ़िया ना बहुत गुड़े फोर्स जो मैंने रेस्पॉन्सिबल हूँ तो पार्टिकल को टुगेदर करी कि ना गोटे सॉलिड बनाया पाई, ठीक अच्छे। आउ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड तांकर जोटा कि डिपेंड करे तांकर अरेंजमेंट उपरे, ठीक अच्छे। एंड वी ऑल्सो स्टडी अबाउट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल्स इन लाटिस, लाटिस कौन आउ तांकर भितर यूनिट सेल्स माने केमती अरेंजमेंट होकर था, ठीक अच्छे। एंड पैकिंग लाटिस ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ओके। एंड वी ऑल्सो नो अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल्स एंड डायमेंशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ओके। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ओके। ओके फर्स्ट कौन पढ़िया ना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ओके। कितने कितने भाग विभक्त हो कौन को को पैरामीटर पर डिपेंड करे, ठीक अच्छे। तो फास्ट पढ़िया तो ये दीटा पैरामीटर पर डिपेंड करे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड टा दीटा पैरामीटर पर डिपेंड करे। तो फास्ट होची पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकेंड होची फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स। फास्ट कौन फास्ट पॉइंट पैकिंग ऑफ Packing of constituent particles okay, second कौन force depends upon forces of attraction एवं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ओके। अब हम ये चैप्टर कौन कौन पढ़िया टाइप्स ऑफ सॉलिड बर्तमान जोड़ा मुझे तुम कही भी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री कौन और एलिमेंट्स मान को भीतर केमती सिमेट्री थाए, तापर ब्राग सिक्वेसन, तापर आलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डायमंड ग्राफाइट एंड फुलरिन, लास्ट रे पी टाइप सिलिकॉन एस टाइप सिलिकॉन सब पढ़ेगा, ठीक अच्छे। फर्स्ट आम जानते इंट्रोडक्शन रे थ्री फेज ऑफ मैटर दी तीन टा जाक फेज अच्छी। फर्स्ट फेज कौन ना गैस, सेकेंड लिक्विड, थर्ड सॉलिड, ठीक अच्छे। गैस मॉलिक्यूल को मान को भीतर डिस्टेंस बहुत अधिक था है, तो गैस मॉलिक्यूल्स खाली लेखे बहुत कम देखा जाती, एमते तो कौन सी मॉलिक्यूल देखा जाए नहीं कि गैस मॉलिक्यूल मान को भीतर डिस्टेंस बहुत ही अधिक था है, ठीक अच्छे। तापर देख लिक्विड मॉलिक्यूल मान को भीतर डिस्टेंस अच्छी किंतु गैस मॉलिक्यूल्स मान को तुलना रे बहुत कम अच्छी, ठीक अच्छे। देख डिस्टेंस कम अच्छी गैस मान गैस मॉलिक्यूल्स मान को भीतर बहुत 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 डिस्टेंस था, ठीक अच्छे। किंतु सॉलिड मॉलिक्यूल मान को भीतर डिस्टेंस बहुत ही कम थाए ना इन इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर थाए, तो मैंने बहुत पाखापाख लगिकी था, यहाँ गोटे मॉलिक्यूल यहाँ गोटे मॉलिक्यूल बहुत कम डिस्टेंस था भितर 10^-15 अर्डर थाए, 10^-15, 10^-12, ठीक अच्छे। इमें माइक्रोमीटर अर्डर थाए। तापर आम पढ़िया ह्वाट इज सॉलिड्स, एवं फास्ट पढ़ी दू ह्वाट इज सॉलिड, तापर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़िया, ठीक अच्छे। फास्ट पढ़िया ह्वाट इज सॉलिड, डेफिनाइट शेप जहाँ थी यहाँ आम फास्ट चैप्टर रे पढ़ी थी,
इलेवेन्थ रहा, ठीक अच्छे, डेफिनेट सेप थी, डेफिनेट वॉल्यूम थी, हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, ताको कंप्रेस करी परिवा नहीं, एंड दैट्स आल्सो इज द रिजिड सब्सटेंस, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड क्लोजली बाय टुगेदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओके, तो तांको भीतर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे सेमानको जोगु सेमाने बहुत जोरे टाइट होकर रही थांती, तां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड क्लोजली ड्यू टू देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओके, नाउ दे हैव फिक्स्ड पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तांकर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मानकर किछि किछि फिक्स्ड पोजिशन थाए जो कि आम आगे जानवा बॉडी सेंटर क्यूबिक कौन फेस सेंटर क्यूबिक कौन सब जगह हम आगे पढ़ा, ठीक अच्छे, एवं टाइप्स ऑफ सॉलिड ता पूर्व मु तुमको आगे जिन कही जोटा कि सॉलिड्स क्लासिफाइड फास्ट स्लाइड मुझे तुमको बुझाऊ दुटा जिन डिपेंड करे फास्ट होगी पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एंड सेकेंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन लैटिट्स, ओके, देयर इज टू टाइप ऑफ सॉलिड बेस्ड अपन आटोमिक अरेंजमेंट बाइंडिंग एनर्जी एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ये लिखाई मानते तार आर पर्सन टा हूँ कौन दिस दिज आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ओके, फर्स्ट होची कौन क्रिस्टलाइन, सेकेंड होची आमर फर्स्ट दी टाइप सॉलिड था फर्स्ट होची क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, सेकेंड होची आमर फर्स्ट सॉलिड एटा का वेस्ट ना बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तांकर पैकिंग केमती था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानकर ता भीतर जो पार्टिकल माने थांती तांकर पैकिंग बेसिस रे तांको को भले भागरे डिवाइड कर जाय छी ऑन बेस्ड अपॉन एटॉमिक अरेंजमेंट से समान जिनस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रे पैकिंग ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट समान जिनस बाइंडिंग एनर्जी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दी टाइप रे ओडो जिक क्रिस्टलाइन ओडो जिक अमॉर्फस बर्तमान क्रिस्टलाइन ओ अमॉर्फस विषय रे पढिया सेकंड स्लाइड रे, ठीक अछि, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, फर्स्ट मु तांका विषय रे किछि कहूछि, एक्चुअली दीज आर द सॉलिड्स इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर थ्री डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंजमेंट, ओके, व्हिच गेट्स रिपीटेड थ्रू आउट द बॉडी, यस दे गेट रिपीटेड थ्रू आउट द बॉडी मीन्स माने कौन ना इमानकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थांती कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने कोडा ए एटम्स आयंस आउ मॉलिक्यूल्स, ठीक अछि, ए एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक अछि, ए माने होचंती कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होथले ए माने ही सही उड़ा आटम्स आयन्स मॉलिक्यूल तांसा माने थ्री डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंजमेंट रे थांती और जोटा कि तांकर रिपीटेड थ्रू आउट द बॉडी हे थाए, ठीक अछि, हेंस देयर आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, ओके, सेथि पई समान को कह जे लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कारण सेमानकर पैकिंग और सेमानकर एटम्स आयन्स मॉलिक्यूल्स गुडा अरेंज थ्रू आउट द बॉडी थ्री डायमेंशनली इन रिपीटेड मैनर, ओके, ये देखो लिखाई है फर्स्ट कौन द बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज देमसेल्फ इन ए रेगुलर मैनर थ्रू आउट द एंटायर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क से जिनसटा को मुझे बर्तमान तुमको बुझाऊ से जिनसटा, ओके, सेकेंड पॉइंट कौन पढ़िया सेकेंड पॉइंट विषय में फर्स्ट तुमको किसी कहूँ, ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्चुअली दि सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ओके, इट मीन्स द चेंजेस अब्रप्टली इंटू लिक्विड इंस्टेड at a fixed temperature, yes, they have a sharp melting point, jaro jaro sharp melting point thae to semana kon karanti na abruptly change honti into liquid state, okay, at a fixed temperature gote e crystalline solid manankara thik ache sharp melting point thae
ଆଉ ସେମାନେ ଆବ୍ରପ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟେମ୍ପରେଚରରେ। ଓକେ, ସେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ନହେଲେ ଏଠି। ଦି ହାଭ ସର୍ପ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଓକେ, ହ୍ୱିଚ୍ ମେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମେନ୍ ବାଏ ଦେ ଦେ କେ ଦେ ଚେଞ୍ଜ ଓକେ ଚେଞ୍ଜ ଆବ୍ରପ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ ଆବ୍ରପ୍ଟଲି ଇନ୍ଟୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ ଆଟ୍ ଏ ଫିକ୍ସ ଟେମ୍ପରେଚର। ଓକେ, ଟେମ୍ପରେଚର ଓକେ, ବାସ୍। ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଲାଟିସ୍, କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଲାଟିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ରୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଯେମିତିକି ଦିସ୍ ଆର୍ ଏନ୍ ଆନାଇସୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ଓକେ, ଆନାଇସୋଟ୍ରୋପିକ୍, ହ୍ୱାଟ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ମିନ୍ ବାଏ ଆନାଇସୋଟ୍ରୋପିକ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଫ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦେୟର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସଚାର୍ଜ, ମେକାନିକାଲ ସ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଓକେ, ଲାଇକ୍ ଇଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଲାଇକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଥର୍ମାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହାଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ୱେନ୍ ୱି ମେଜର ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ଓକେ, ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମିନ୍ସ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ୍ସ ହାଭ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଓକେ, ଦିଜ୍ ସଲିଡ୍ସ ହାଭ ଆନିସୋଟ୍ରୋପିକ୍ ନେଚର। ଓକେ, ଆନିସୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର ନେଚର ମିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦେୟାର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଦେୟାର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନିକି ଚାଲ ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଓକେ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଥର୍ମାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି। ଓକେ, have different values when measured from different direction, have different value in different direction। ओके, एम डायरेक्टली भी चलो। ओके, थर्ड पॉइंट कौन गल मो अनुसार ଦେ ଆର୍ ଆନାଇସୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ, ଥାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଲାଟିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସଲିଡ୍ ଫିଗର ହ୍ୱିଚ୍ ହାଡ଼ ଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ସେପ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ପ ଏଜେସ୍। ଗୋଟେ ସଲିଡ଼କୁ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ, ମେ ବି ସେଇଟା ସାର୍ପ ଏଜ୍ ରହିଥାଇପାରେ, ତା'ର ତ କିଛି ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ସେପ୍ ପକ୍କା ଥିବ, ସିଓର ଥିବ ତା'ର କିଛି ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ସେପ୍। ଓକେ, ତା'ର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫେସେସ୍ ଥିବ, ଓକେ, ତା ସାର୍ପ ଏଜ୍ ଥିବ, ଏମିତି ତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଲାଟିସ୍ର ସଲିଡ଼ ଫିଗର ଏଇଭଳିଆ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ତାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଓକେ,
ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ଦେଖିବା ଇନକମ୍ପ୍ରେସିବୁଲ ଅର୍ଡ଼ରଲି ଆରେଞ୍ଜ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଛୁ କି ସଲିଡ଼ ହେଉଛି ଇନକମ୍ପ୍ରେସିବୁଲ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିହେବନି ତ ଏମାନେ ଅର୍ଡ଼ରଲି ଆରେଞ୍ଜ ୟୁନିଟ୍ସ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରିହେବ ଏମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ପ୍ରେସିବୁଲ ଏମାନେ ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଇନକମ୍ପ୍ରେସିବୁଲ ଅର୍ଡ଼ରଲି ଆରେଞ୍ଜ ୟୁନିଟ୍ସ ଓକେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ସାତ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ନା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସଲିଡ୍ସ ଆଉ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେଇ ଚିଜ୍ ଆବ୍ରପ୍ଟଲି ଇନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଟ୍ ଅ ଫିକ୍ସ ଟେମ୍ପରେଚର ଯାହାର ମିନିଂ ଥିଲା କି ଦେ ହାଭ୍ ଏ ସାତ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଓକେ ଆନାଇସୋଟ୍ରପିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର ଆନାଇସୋଟ୍ରପିକ୍ ମୁଁ ବି ଡିଫାଇନ୍ କଲି ଆନାଇସୋଟ୍ରପିକ୍ କ'ଣ ଓକେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନାଇସୋଟ୍ରପିକ୍ ଜିନିଷଟା ଓକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଦେବା ଓକେ ଯେମିତିକି ଅନ୍ କଟିଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିବା ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ୱିଥ୍ ଏ ନାଇଫ୍ ଓକେ ଦେ ହାଭ୍ ସାର୍ପ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୁଥ୍ ଏଜେସ୍ ୟେସ୍ ଦେ ହାଭ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ପ ଏଜେସ୍ ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନଟ୍ ସୋ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଅନ୍ କଟିଂ ୱିଥ୍ cutting with knife they give they means crystalline solid okay they give smooth okay and sharp edges okay and ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେମିତିକି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସଲିଡ୍ସ ଆର୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଟ୍ରୁ ସଲିଡ୍ସ ଓକେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସଲିଡ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କୁହାଯାଏ ତା ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ସଲିଡ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ୱିଥ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ତ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ହିଟ୍ ଦରକାର ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓକେ ତ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୁ ସଲିଡ୍ କୁହାଯାଏ ଦେ ଆର୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଟ୍ରୁ ସଲିଡ୍ସ ୱିଥ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏନ୍ଥାଲ୍ପି ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଓକେ ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଲିଭି ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତିକି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସଲିଡ଼୍ର କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏନ୍ ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ସି ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିବିନି ଆଉ ହେଇପାରିବ କ୍ୱାର୍ଜ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱାର୍ଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ କ୍ୱାର୍ଜ ଡାଇମଣ୍ଡ ଓକେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବୋରୋନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ ବି ହେଇପାରିବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋରୋନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ବୋରୋନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଓକେ ବି ଏନ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ବହୁତ ହି ହାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଓକେ ସବୁ ସଲିଡ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ସଲିଡ୍ ମାନେ ଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ସି ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ଓକେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଏନ୍ ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ସଲିଡ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲିଡ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ ଓକେ ଏନ୍ ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ସି ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ଆୟୋନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଓକେ ଆଉ ଯେମିତିକି ଇନ୍ ସଲିଡ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଆଉ ସଲିଡ୍ ସଲ୍ଫରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ମାନେ ସେଇ ପାର୍ଟିକଲ୍ସମାନଙ୍କର ୱିକ୍ ଭାନ୍ ଡର ୱାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସଲିଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ତଳେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ହେଇଗଲା ଏମାନେ ଏନ୍ ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ଆଉ ସି ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ କ'ଣ ନା ଏନ୍ ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ଆଉ ସି ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୋନିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଆୟୋନିକ୍ ସଲିଡ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ୍ କୁହାଯିବ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇପାରେ ଇନ୍ ସଲିଡ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ସ ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେଉଛି ଓକେ ଇନ୍ ସଲିଡ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ସ
okay, and in solid sulfurs, and in solid sulfurs, because of they have weak van der Waals force of attraction, they are crystalline solids. Okay, मुझे लिखूं नहीं, इट्स मैं लिखी था वो, है ना? ये लिखी दो चीज़ they have weak van der Waals force of attraction for which they are crystalline solids. Okay, in solid iodines and in solid sulfurs. Okay, because of they have weak van der Waals force of attraction, they are crystalline solids. Okay, अभी हमें देखिए amorphous solids कौन देखो लिखा है ची derived from Greek word amorphe meaning shapeless माने ता अर्थ हो ची amorphous solid मानन करो shape ही न थाए ठीक है ची and we also define this like constituent particles of amorphous solids are randomly scattered with no regular arrangement of particles. Yes, they have no regular arrangement of particles. Therefore, they do not have any definite shape or form. Yes, they do not have definite form or shape. Okay. So, we can write here like randomly scattered with no regular arrangement of particles. Randomly scattered with no regular arrangement of particles. ओके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कौन हो सो दैट माने इथि पई नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ना से मानन करो सेथि पई सो दैट दे डू नॉट हैव डेफिनेट और पर्टिकुलर जहां भी लिख ले चलबो डेफिनेट लिख दो definite shape or form. Okay, देखो सेट लिख जी shapeless कहीं की shapeless मोटे define कर दिल तुमको ठीक है ची second point कौन ही लिख जी ना no regular but haphazard arrangement of atoms or molecules. Here the atoms and molecules arranged haphazardly. Okay, no regular they have. No regular arrangement. So we can write here like if constituent particles are arranged in some orderly manner, jodi ami tanku kute particular constituent particles manku jodi ami particular orderly manner arrange kariba, then this arrangement doesn't continue for long distance. Obviously jo mane jo manankar particular shape nahi particular form nahi haphazardly arrangement of atoms or molecules सही आटम्स और मॉलिक्यूल्स मानन को जदे हमें गोटे पर्टिकुलर शेप रे अरेंज्ड करीबा से माने अधिक डिस्टेंस पर्यंत सही अरेंजमेंट रही परिबिनी कारण समान करो इटस कारण होजी कोना ना नो रेगुलर बट हाफजर्ड अरेंजमेंट ऑफ आटम्स और मॉलिक्यूल्स समान को सही सेम ऑर्डर रे सजेले भी समान अधिक डिस्टेंस पर्यंत जाई परिबिनी तेनो समान को कह जाय कोना ना शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड
तो ए पॉइंट को हमें लिखवा इठी इफ इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ हामर्सबर्ग सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लिखी दूजी कॉन्स्टिट्यूएंट the constituent particles okay are arranged in some orderly manner okay then this arrangement in this arrangement तो समान को सही थी पैंक को आ जाए दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स ओके क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमें कौन कहते ना से लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स एम कौन कह ना शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड ठीक है बस ये भी तांकर मेल्टिंग पॉइंट विषय में पढ़ा ठीक अच्छे फर्स्ट मुझे कहीदेज तुमको एम कौन कौ टाइप मेल्टिंग पॉइंट थाए ठीक अच्छे एक्चुअली अमॉर्फस सॉलिड्स हैव डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट यस दे हैव डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट्स व्हिच मीन्स दे सबटेन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इनस्टेड ऑफ मेल्टिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली माने एमानकर डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट थाए ठीक अच्छे जहार मीनिंग बाहर कि माने से माने सॉफ्टेन होंती गोटे वाइड रेंज टेम्परेचर रे इनस्टेड ऑफ ए मेल्टिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली ओके से माने सॉफ्टेन होंती गोटे वाइड रेंज टेम्परेचर रे इनस्टेड ऑफ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर से कौन थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मानक गोटे पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स्ड टेम्परेचर रे से मेल्ट करूला शार्प मेल्टिंग पॉइंट थिला किंतु ए मानकर डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट इट मीन्स दे सॉफ्टेन ओवर ए वाइड रेंज टेम्परेचर इनस्टेड ऑफ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ओके सो ये लिखाही देख नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट गोटे लाइन लिखाही तक आम डिफाइन करके लिखिपर ठीक अच्छे मेन पॉइंट हूँ आइसोट्रॉपिक सब मेन पॉइंट से आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर ठीक अच्छे तो फर्स्ट ये गोटे पॉइंट मिसेगला ऑल्सो कंसीडर्ड आज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड्स ओके से भलसे तुमको बुझीदेवि अर्थ कौन ठीक अच्छे फास्ट आइसोट्रॉपिक बाय नेचर केमी देखा प्रॉपर्टी कौन आइसोट्रॉपिक हबार ठीक अच्छे फास्ट कहीदे लाइक अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक बाय नेचर व्हिच मीन्स ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू आउट द बॉडी ओके द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी they have same value in all directions okay so we can write here this point okay they are isotropic by nature okay which means due to
random arrangement of particles throughout the body, solid लिखिदा, ठीक अच्छे, throughout the solid, they have their physical properties in different directions, no? They have physical properties, such as refractive index, mechanical strength, electrical and thermal conductivity. So, ठीक अच्छे, तो physical properties से बड़ा मॉल लिखूंगी. We'll have same value in all direction. ठीक अच्छे, माने एमानं करो physical properties are have same value in all direction. और क्रिस्टल एंड सॉलिड मानकर डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस तण समान को हा जे को गला एनिसोट्रोपिक इन नेचर तो आवर फसल को का गला आइसोट्रोपिक इन नेचर ओके आओ ए मानकर जो एज गुडा थाए माने जो धार गुडा थाए इरेगुलर थाए सो व्हेन कॉट विथ ए शार्प नाइफ दे फॉर्म डिफ्यूज्ड ओके दे व्हेन मींस आमे जते बले को आमे जते बले आमे अमॉर्फस सॉलिड को शार्प नाइफ रे काटीबा सेते बले समान इरेगुलर एजेस आउ डिफ्यूज्ड एजेस देबे ठीक अछि लिखि दउ छी एथि दे गिव डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर edges when we cut with a sharp knife okay when we cut with a sharp knife okay fine so do not have extra diffraction bands ते इंपोर्टेंट वे पॉइंट है ठीक अछि तो एमान को ए पॉइंट हम छाड़ देली वर्तमान ए पॉइंट हम या विषय को छि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सुपर कूल सॉलिड्स केमिति कोन काई को आछे ठीक अछि एमान को स्यूडो सॉलिड को आ जाए किंबा सुपर कूल सॉलिड को आ जाए एज दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो यस बिकॉज़ ऑफ दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो So they are called pseudo-solids or supercooled solids. Yes. They have no definite value of enthalpy of fusion. Okay. So another point we have to write here is also considered as crystalline, non-crystalline solids or supercooled solids or pseudo-solids. Okay. Pseudo solids. Why? Because okay they have the tendency of flowing. Okay. Yes. We have examples dekhiwa. अंकर एग्जांपल्स जेंति गैस जिबे हमरो ग्लास रबर प्लास्टिक इट लिखा है छि ठीक छि ग्लास रबर प्लास्टिक्स आउ एमन ओन सुपर कूल्स लिक्विड आउ ग्लास आस जिबो हमर फॉर सॉलिड्स रे कारण से माने कोन ना तंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट न थाए नॉट अ डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप थाए न कमे पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप रे आणु आउ आणिले भी समान अधिक लॉन्ग डिस्टेंस रेंज पर्यंत एग्जिस्ट करि परिवे नाही तेनु करे समान को गला शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड आउ समान को
आइसोट्रोपिक इन नेचर थाए अनआइसोट्रोपिक न थाए ठीक अच्छे तो फाइनाली बुझीगले तो सुपर कूल्ड सॉलिड्स विषय में आगे कहवाक जाऊँगी ठीक अच्छे सो लाइक सुपर कूल्ड सॉलिड्स लाइक लिक्विड्स अमोर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो मुझे तुम कहली एवं ठीक अच्छे हेन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड्स ठीक है इस कथा मुझे कहली एवं इफ यू नोटिस ग्लास विंडो पेन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स ठीक अच्छे आम जो ग्लास विंडो पेन को देखा ओल्ड बिल्डिंग्स वी फाइंड देम स्लाइटली थिकर आट द बॉटम देन आट द दैन द टॉप मान तल पाखे टी मोट मोटा थाए दैन ऊपर ठीक अच्छे से हेन्स ग्लास इज अल्सो कॉल्ड अ सुपरकूल्ड सॉलिड सुपरकूल्ड लिक्विड सॉरी सुपरकूल्ड लिक्विड ठीक अच्छे सुपरकूल्ड लिक्विड्स कैन फ्लो स्लोली अंडर देयर ओन वेट एंड लूज शेप एंड कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड ओके तो यहाँ तो ये जाना दरकार नहीं मुझे खाली कहीदेली तुमको जाना ठीक अच्छे तो फाइनाली से सुपरकूल्ड लिक्विड कह जाए अमोर्फस सॉलिड्स को सुपरकूल्ड लिक्विड्स कह जाए और स्यूडो सॉलिड्स कह जाए ठीक अच्छे एवे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट स्लाइड टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ओके क्रिस्टल को मुझे से कही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन लैटिस थिला जहाँ को कि दि भाग में व्यक्त कर फर्स्ट थी क्रिस्टल एंड सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स पैकिंग को लेकिन एवं तक नेचर को लेकिन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को लेकिन आम देखा तो से चार भाग में व्यक्त होती तो फर्स्ट हूँ आयनिक क्रिस्टल सेकेंड हूँ कोवेलेंट क्रिस्टल थर्ड हूँ मॉलिक्युलर क्रिस्टल फोर्थ हूँ मेटालिक क्रिस्टल्स ठीक अच्छे मुझे फर्स्ट आयनिक क्रिस्टल्स विषय में किसी कहूँ आयनिक क्रिस्टल्स ओके आयनिक क्रिस्टल्स विषय एक्चुअली आयनिक क्रिस्टल्स ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स थ्रू आउट द सॉलिड्स वेयर आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यस दिस सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल एंड यस दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड स्टेट एज आयन्स दे आर नॉट फ्री टू मूव ओके सो हियर दिस इज सो हियर दिस इज रिटन लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स मुझे तुमको कहती कौन कहती ना ये रेगुलर अरेंजमेंट रे पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन्स थ्रू आउट द सॉलिड्स स्प्रेड होती आयन्स मैंने स्ट्रॉन्ग कोलम्बिकल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट हो वेरी हार्ड ब्रिटल एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट था ठीक अच्छे आने जो आयन्स मैंने थी दे आर नॉट फ्री टू मूव ओके हार्ड ऑफ ब्रिटल से लिखाई हाई मेल्टिंग पॉइंट जोटा मुझे कहली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट गुड इन मोल्टन स्टेट ओके कहीं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट फ्लो हेनी यही मुझे तुमको कही आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव आयन्स जदि फ्री में मूव हो पारेनि तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पारेनि ठीक अच्छे बट मोल्टन स्टेट आयन्स मैंने फ्लो हो पारे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हम आने पुअर कंडक्टर होपारे ना गुड कंडक्टर होके okay? तो आउ जिनस जमीक दे आर इन्सुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट एंड इन मोल्टन स्टेट और इन आक्वा स्टेट्स दे आर गुड कंडक्टर्स ओके दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स यस दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक H2O बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक C6H6CH2CCl4 ओके आई एम गोइंग टू राइट हियर ओके पॉइंट दे आर मीन्स क्रिस्टलाइन आयोनिक क्रिस्टल्स आर दे आर soluble in polar solvents
लाइक जेमिति की H2O ओके एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक C6H6 ओके CH2 ओके ओके CH2 एंड आउट कौन थी ना CCl4 ना CCl4 एमती बहुत अच्छे चैप्टर ओके सो एग्जांपल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स कौन कौन है मैं तुमको एग्जांपल्स दे दूँ ओके एग्जांपल्स जमती की गले LiF लिथियम फ्लोराइड ओके आसीगला आमर लुण लुण NaCl ठीक अच्छे आसो KNO3 एंड समान दस नेम N2SO4 यस N2SO4 एटसेट्रा ओके सो पैकिंग ऑफ स्पीयर्स डिपेंड्स इट लिखाई पैकिंग ऑफ स्पीयर्स डिपेंड्स अपन प्रेजेंस ऑफ चार्ज स्पेसिस प्रेजेंट और साइज ऑफ आयन Fe2, Ab ये सब आम आपको पढ़ा कौ कौ टाइप्स अच्छा कौन ठीक अच्छे नेक्स्ट लेंथ पकेबा कोवेलेंट सॉलिड्स उपरे कोवेलेंट सॉलिड्स कौन आज कोवेलेंट सॉलिड्स पढ़ा काली पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे मेटालिक सॉलिड्स आउ मॉलिक्युलर सॉलिड्स ओके सो व्हाट इज कोवेलेंट सॉलिड्स इन कोवेलेंट सॉलिड्स एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू आउट द क्रिस्टल ओके एठी एटम्स माने निज निज भीतर बॉन्ड लेकि थांती थ्रू आउट द क्रिस्टल बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड ओके इट मीन्स देयर इज अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग ए जायंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और ए जायंट मॉलिक्यूल यस दे फॉर्म ए जायंट मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर कंटिन्यूस इन नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जेहेतु एमानंकर कंटिन्यूसली कोवेलेंट बॉन्ड थाए तेणु से गोटे जायंट थ्री डायमेंशनल नेटवर्क तैयारी करि पारंती ओके कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रांग एंड डायरेक्शनल इन नेचर यस कोवेलेंट फर्स्ट पॉइंट तो थिला कि सेमानंकर कोवेलेंट बॉन्ड्स माने फॉर्मेशन करंती ओके दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम एंड रिपीट थ्रू आउट the crystal okay which means there is a continuous network of covalent bond okay forming which tends to form a three dimensional giant molecule okay three dimension giant structure likh dewa okay three dimension giant structure okay giant structures out upon kon thila covalent bonds are
strongs and directional in nature. Okay, से point हम वही कोई दूँ चाहे they are strong and directional in nature. Means covalent bonds are strong and directional in nature. Okay, and another is the solids have very hard brittle and very high melting point. It should have likha hai ji, theek hai, hard solids high melting point, poor conductors of electricity. Okay, atoms are held together by covalent bonds. Seta mu likhi diji, lattice points are occupied by natural atoms. Normal atoms mane niyam je covalent bond bane ki eta banai thandi. Okay, आउ किसी जिनस जमती कि एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन आर वेरी हाई. ओके, दे हैव हाई एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन. ओके, एग्जांपल डायमंड ग्राफाइट दिया है जी, डायमंड ग्राफाइट बेस्ट एग्जांपल. गोटे जगह कही थी बी एन बोरोनाइटेट जोटा कि गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड थिला. ओके, बी एन आउ गोटे एग्जांपल तर हो पारिबो बोरोनाइट्राइड, आउ हो पारिबो सिलिकॉन कार्बाइड एसआईसी जोटा कि बहुत स्ट्रांग तांकर. ओके, एसआईसी ओके सिलिकॉन कार्बाइड. Okay, silicon carbide, and these are the examples of covalent crystals or covalent solids. Okay, ठीक है, next class रे हम पढ़ेगा metallic solids और molecular solids. Okay, thank you.